Good morning, students. Once again, we will start the chapter. This video is for class 9. We have already understood this chapter till here. Now we will start from here. This is the story of Prashant, a boy of 19 years, and how he saved himself along with the other villagers from the natural disaster. This chapter deals with that topic. Let's start. As they waded through the waters, मतलब जैसे वो पानी से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, the scenes they witnessed grew more and more macabre. मतलब ऐसे सीन वो लोग दिख रहे थे, बहुत ही डरावना सीन था, भयावह सीन था वो. They had to push away many human bodies. ह्यूमन बॉडीज जो रास्ते में मिल रहे थे उसको वो लोग पुश अवे कर रहे थे, अपने दूर हटा रहे थे. और ह्यूमन बॉडीज़ में था मेन का, था वेमेन था, चिल्ड्रेन था, मतलब हर क्लास के लोगों का वो डेड बॉडी था वहाँ पे. द कारकेसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल दैट द करेंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड. करेंट के साथ जो डेड एनिमल्स मूव कर रहे थे वो भी बॉडी थे उनके. एंड इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग. मतलब जितने भी रास्ते से जब वो मूव कर रहे थे तो जितने भी विलेज वो लोग देख रहे थे शायद ही कोई घर ठीक ठाक खड़ा था. सारे घर, इसका मतलब इस नेचुरल डिजास्टर में डिवास्टेटेड हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गए थे. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. प्रशांत को जानते ही हैं अपने घर की याद आ रही थी, इसलिए अपने बारे में वो सोच रहा था, अपने गांव के बारे में सोच रहा था कि उसके गांव वाले, उसके फैमिली, उसके घर कैसा होगा, कैसा सीन होगा. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटेस्ट्रॉफी. मतलब ये डिजास्टर जो हुआ है, इस डिजास्टर को हमारी फैमिली सर्वाइव नहीं की होगी, ऐसा उसका मानना था. इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज और लास्टली फाइनली वो घर पहुंचा, गांव पहुंचा. और इसके गांव का नाम यहां पे मेंशन है, आप लोग याद रखिएगा, कालीकुदा. कालीकुदा इज़ द नेम ऑफ हिज विलेज. हिज हार्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम वंस एंड स्टूड देयर वेयर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. मतलब जिस जगह पे इनका घर था उस जगह पे अब क्या है, सिर्फ छत का जो मलबा गिरा होता है बस उतना ही बचा हुआ है. ही वॉज वेरी मच सैड टू सी दैट. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर. और इनके घर का कुछ कुछ सामान क्या कहते हैं, पानी के ऊपर तैर रहे थे, वो बगल वाले जो पेड़ गिरे हुए थे तो पेड़ के ब्रांचेज में लिपटे हुए थे, इधर उधर फुट कर रहे थे. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. अब ये प्रशांत क्या किया कि रेड क्रॉस जाने का सोचा अपने फैमिली को सर्च करने के लिए. अमंग द फर्स्ट पीपल He saw in the crowd was his maternal grandmother. और सबसे पहला person जो देखा वो इसकी maternal grandmother थी. Weak with hunger, she rushed to him and her hand outstretched, her eyes brimming. वो प्रशांत के पास दौड़ते हुए आई और ऐसा फील हो रहा था, weak with hunger,
भूख के कारण बहुत ही वीक हो चुकी थी और उसके अपने गले लगा लिया, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। इट वॉज अ मिराकल, दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड। मतलब ये लोग सोच लिए थे कि प्रशांत अब नहीं रहा होगा, इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफी वो सर्वाइव नहीं किया होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड टाइट इन रिलीफ। प्रशांत एंग्शियसली स्कैंड द मॉटली बैटर्ड ग्रुप, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। अब यहाँ पे सारे लोग हैं, सारे लोग मीन्स इसके गांव वाले, इसके मम्मी पापा दादा दादी एंड अंकल आंटी, सारे लोग वहीं पे उसी ग्रुप में रेड क्रॉस शेल्टर में ही रह रहे थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक द डिस्पेरेट सिचुएशन इन द शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग से ये काम में लग जाएगा, काम में मतलब कि लोगों को लोग जो यहाँ पे एक ही जगह पे हैं तो वो काम सब देखने के लिए उसमें लग गया। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, अपने आप में साहस बंधा। ही सेंस्ड द डेथली ग्रीव सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, और शेल्टर में 2500 पीपल वर रिसाइडिंग, 86 लाइफ वर लॉस्ट इन द विलेज। और उस गांव में, उस विलेज में 86 लाइफ का डेथ हुआ था। एंड इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, और ये उन लोगों का ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। उस गांव में 96 हाउसेज थे और 96 के 96 बह गए। मतलब कह सकते हैं नेचुरल डिजास्टर जो हुआ उसके कारण सारे गांव दह गया, बह गया, हवा उड़ा के लेके गया तो टूट फूट गया। और ये उनका चौथा दिन था उस शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देर वर टू फ्यू टू गो अराउंड टू सच टिमलेंट ऑफ पीपल। इतने भीड़ में कुछ ही लोग जाते थे वो फाइंड आउट करने फूड मटेरियल। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज, और प्रशांत जो 19 ईयर्स का था अपने गांव का नेता के तौर पे सामने आया। इफ नो वन एल्स डिड, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस। ये एक ग्रुप बनाया जिसमें मर्चेंट को प्रेशराइज करना था राइस देने के लिए। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रियम्फेंटली। बार ये ग्रुप जो है मर्चेंट से चावल ले करके रिटर्न हो रहा था, मतलब विजय हासिल करके रिटर्न हो रहा था। वैडिंग थ्रू वाटर विथ फूड फॉर द इंटायर शेल्टर, और ये फूड जो ला रहे थे वो पूरे शेल्टर के लिए ला रहे थे। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, कोई केयर नहीं कर रहा था कि राइस जो है सर रहा है। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट फायर एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। अब ये ब्रांचेज कलेक्ट किए गए और उस पर कुक करना था फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज। मतलब ये पहली बार था कि इस शेल्टर के लोग अपने पेट भरेंगे। आज 3-4 दिन हो चुके थे। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कार्केसेस एंड टेंड टू वूंड्स, द फ्रैक्चर्स ऑफ मेनी हु हैड बीन इंजर्ड। मतलब उस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे तो उन सारे लोगों को अब केयर करना है, इसलिए सबसे पहला वहाँ का क्लीनलीनेस को देखा गया
और वहाँ को उस सराउंडिंग्स को क्लीन करना सोचा इन लोगों ने, और क्लीन इसलिए कि वहाँ पे लोग यूरिन वॉमिट वूंड्स फ्रैक्चर्ड पीपल को सबसे पहले केयर करना था, तो ये करने के लिए ये लग गए। ऑन द फिफ्थ डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल। पाँचवा दिन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ रहा है और कुछ फूड पार्सल जो है इस इन लोगों के लिए ड्रॉप डाउन किया, गिरा दिया। इट देन डिड नॉट रिटर्न, तब वो फिर से रिटर्न नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी अटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर एंड दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रेन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज अटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दे वर हंगरी। अब यूथ का जो ग्रुप था वो क्या करने लगे, एम्प्टी अटेंसिल इकट्ठा करने लगे और छोटे छोटे बच्चों को कहा कि लेट जाने के लिए सैंड पे लेट जाओ तुम लोग, और अपने स्टमक पे वो एम्प्टी अटेंसिल्स जो है वो रखो, और जिसके कारण ये कम्युनिकेशन होगा हमारा और हेलीकॉप्टर वाले का कि हम लोग भूखे हैं तो वो लोग फूड ड्रॉप डाउन करेंगे। ओके, द मैसेज गॉट थ्रू, मैसेज मिल गया एंड दे आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर। उसके बाद मैसेज जो हेलीकॉप्टर वाले को मिल गया तो वो रेगुलर राउंड करने लगे वहाँ पे, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या क्या हो सकता है यू कैन गेस, देयर मस्ट बी क्लोथ्स मेडिसिन एंड फूड, दीज आर द बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन बींग। आफ्टर दैट प्रशांत फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बिन ऑर्फेंड। प्रशांत को अब पता चला कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। एक साथ लाया सबको बाहर और उसके लिए पॉलीथीन सीट डाल करके टेंट बना करके उसको उसमें रखा गया। वुमन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, वुमन को हायर कर दिया गया कि आप इनका केयर करो। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर, और मैन जो थे वो फूड लाने में बिजी रहे इस शेल्टर के लिए। As the week passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. Prashant ko ye ehsaas ho gaya ki yahan jo log reh rahe hain bahut hi takleef mein aur bhi takleef mein doobte ja rahe hain. He persuaded the women to start working in the food for work program started by NGO. NGO start karega, एनजीओ के तरफ से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उसमें वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। एंड फॉर द चिल्ड्रेन दे ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, ये इसको खुद पसंद था क्रिकेट खेलना, एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेज फॉर चिल्ड्रेन, और इसीलिए बच्चों के लिए वो क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया। प्रशांत एंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रेन टू पिक अप द ब्रोकन पीस ऑफ लाइफ। जो लोग कष्ट में थे उनको हेल्प के लिए ये आगे बढ़े। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडोज। शुरू शुरू में जो गवर्नमेंट का प्लान बना ऑर्फन और विडोज के लिए इंस्टीट्यूशन सेट करना था। However, this step was successfully resisted. इसको stop करवा दिया गया, as it was felt that in such institution children will grow up without love. मतलब ये एहसास हो गया कि बच्चे जो यहाँ पर grow up होंगे तो उनको ठीक तरह से केयर करने वाला नहीं होगा, without love वो लोग grow up होंगे, and widows would suffer from stigma and loneliness. और विडो जो है लोनलीनेस सैडनेस को अकेलेपन को नहीं सह पाएगा, इसलिए उस इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दिया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड
orphan should be resettled in their own community by itself, possibly into a foster family made by childless widows and children without adult care. मतलब विडो जो थी वो चाइल्ड को अपना लेगी, गोद ले लेगी, तो इस फैमिली को कहते हैं हम लोग फोस्टर फैमिली. ऐसे फोस्टर फैमिली को सेटल करेंगे हम लोग अपने ही विलेज में, ऐसा लोगों का मानना था. इन इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, 6 महीने बाद दिस प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन. देर इज अ सॉन्ग, दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया. द सेम सिचुएशन इज देयर, प्रशांत अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो लोगों के बारे में सोच रहा है, इसलिए उसको अपना गम दिख ही नहीं रहा है. हिज हैंडसम यूथ फेल इज वॉट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रेन ऑफ दिस विलेज शीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीव. मतलब दुख के घड़ी में विडो और ऑर्फन ने जो देखा है, जो चेहरा देखा है, हेल्पिंग हैंड देखा है, वो प्रशांत का हैंडसम फेस कह सकते हो. बाय दिस लेसन वी लर्न द करेज, हाउ टू गैदर आवर करेज टू सर्वाइव इन डार्केस्ट आवर ऑफ आवर लाइफ. हार्ड टाइम्स को कैसे हम लोग मैनेज करें वो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिला है. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. बी राइट हियर विद योर पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक टू राइट दोज क्वेश्चंस एंड डू कंप्लीट दैट इन योर फेयर कॉपी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.